है, तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे एक लिंक लिस्ट है, तीन लिंक लिस्ट है, तीनों में हम देखेंगे लूप हमें फाइंड करना है। तो फास्ट और स्लो पॉइंटर का कॉन्सेप्ट यूज करके हम लूप फाइंड कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम पी को स्टार्ट कर लेते हैं फर्स्ट नोड पे और क्यू को भी स्टार्ट कर लेते हैं फर्स्ट नोड पे। पी हमारा फास्ट पॉइंटर है, सॉरी स्लो पॉइंटर है, और जो क्यू हमारा है वो फास्ट पॉइंटर है। पी एक एक स्टेप मूव करेगा और क्यू जो है वो दो दो स्टेप मूव करेगा। सो पी को हम मान लीजिए हमने एक स्टेप मूव कराया, क्यू को हमने दो स्टेप मूव कराया, फिर पी को हमने एक स्टेप मूव कराया और क्यू को दो स्टेप मूव कराया 3 से 5, फिर पी को हमने एक स्टेप मूव कराया और क्यू को दो स्टेप मूव कराया, क्यू जो 5 से 6 पहुंचा और 6 से फिर 3 पहुंचा, फिर पी को हमने एक स्टेप मूव कराया, पी हमारा 4 से 5 पे आया और क्यू को हमने मूव कराया, क्यू आ गया हमारा 3 से 5 पे। ओके, अगर दोनों कोन साइड कर गए इसका मतलब है कि ये जो पी और क्यू पॉइंटर्स हैं अगर ये कोन साइड कर गए इसका मतलब कि हमने लूप डिटेक्ट कर लिया। ओके, एक और एग्जांपल से देखते हैं। ये जो नीचे वाला है जिसमें कि 7 नोड्स हैं, पी को हमने स्टार्ट किया फर्स्ट नोड पे, क्यू को भी हमने फर्स्ट नोड पे स्टार्ट किया, पी को हमने मूव कराया एक स्टेप और क्यू को हमने मूव कराया दो स्टेप 1 से 3, फिर से पी को मूव कराया एक स्टेप 2 से 3 और क्यू को मूव कराया 3 से 5, फिर से हमने पी को मूव कराया 3 से 4 और क्यू को हमने मूव कराया 5 से 7। एक स्टेप फिर से मूव कराते हैं, पी को मूव कराते हैं 4 से 5 और क्यू को मूव कराते हैं दो स्टेप, तो क्यू मूव करेगा 7 से 5 पहुंचेगा और 5 से 6 पहुंचेगा। ठीक है, फिर से मूव कराते हैं पी को एक स्टेप और क्यू को दो स्टेप, तो क्यू दो स्टेप कैसे मूव करेगा 6 से 7 एंड देन 7 से 5 क्यू हमारा यहां पहुंच गया। फिर से मूव कराते हैं इसको यहां से यहां 6 से 7 और क्यू को दो स्टेप मूव कराते हैं 5 से 6 एंड देन 6 से 7, दोनों कौन साइड कर गए। चूंकि दोनों कौन साइड कर गए तो हम कहेंगे कि इसमें लूप है। ठीक है, फिर यहाँ पे नीचे वाला एग्जांपल भी एक ले लेते हैं, इससे भी समझते हैं। पी हमारा फर्स्ट नोड पे है और क्यू भी हमारा फर्स्ट नोड पे है, पी को मूव कराते हैं 1 से 2, क्यू को दो स्टेप मूव कराना है इसलिए 1 से 3, पी को एक स्टेप मूव कराते हैं 2 से 3 और क्यू को दो स्टेप मूव कराते हैं 3 से 5, फिर पी को एक स्टेप मूव कराते हैं 3 से 4 और क्यू को दो स्टेप मूव कराते हैं 5 से 7, फिर पी को एक स्टेप मूव कराते हैं 4 से 5 और क्यू को दो स्टेप मूव कराते हैं 7 से 9, फिर पी को एक स्टेप मूव कराते हैं 5 से 6, क्यू को दो स्टेप मूव कराते हैं 9 से 10 एंड देन 10 से 9, अगेन ये क्यू पे ही रहेगा माने 9 पे ही रहेगा, फिर पी को वन स्टेप मूव कराते हैं 6 से 7, क्यू को मूव कराएंगे 9 से 10 अगेन 10 से 9, तो क्यू हमारा 9 पे ही रहा, फिर पी को मूव कराते हैं 7 से 8 और क्यू को मूव कराते हैं 9 से 10, 10 से अगेन 9, सो क्यू अभी भी हमारा 9 पे है, फिर पी को मूव कराते हैं, पी हमारा 8 से 9 पे आता है, क्यू को मूव कराते हैं 9 से 10 एंड देन 10 से 9, तो पी और क्यू कौन साइड कर गए, इसका मतलब क्या है कि इसमें हमें लूप मिल गया। ठीक है, हैव यू अंडरस्टूड दिस, इसमें हमें लूप इस तरह से मिला। हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड दिस? यस सर। यू मे रेज योर हैंड्स। ओके फाइन, एनफ हैंड्स। अच्छा, एक मान लीजिए कि आपके पास लिंक लिस्ट ऐसी है 1 2 3 4 और इसमें लूप नहीं है। ठीक है, अगर इसमें लूप नहीं है तो हम क्या करें, यहां पे हम पी ले लेते हैं फर्स्ट नोड पे और क्यू भी फर्स्ट नोड पे ले लेते हैं। अगर इसमें लूप नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि 4 के नेक्स्ट पॉइंटर में नल है ना, तो पी हमारा एक स्टेप से यहां मूव करेगा और क्यू हमारा दो स्टेप से 3 पे आ जाएगा, पी एक स्टेप से आएगा 3 पे और क्यू एक स्टेप से क्या होगा 3 से 4 पे जाएगा और 4 के बाद वो नल हो जाएगा। तो जैसे ही क्यू नल होगा आप डिक्लेयर कर देंगे कि इसमें लूप नहीं है। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग कंडीशन हमारी ये है कि अगर क्यू हमारा नल पे पहुंच गया तो इसका मतलब है कि हमारा लूप नहीं है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसका, जिसमें कि मान लीजिए कि ऑड नंबर ऑफ नोड्स हो 1 2 3 4 एंड 5। अब अगर हम यहां पे मूव कराएं तो पी हमारा फर्स्ट नोड पे और क्यू भी फर्स्ट नोड पे, पी एक स्टेप मूव कर रहा है 1 से 2 आ रहा है, फिर क्यू दो स्टेप मूव कर रहा है, पी एक स्टेप मूव कर रहा है और क्यू दो स्टेप मूव कर रहा है। अब क्यू हमारा कहां है, लास्ट नोड पे पहुंच गया है और लास्ट नोड का नेक्स्ट फील्ड नल है, तो चूंकि लास्ट नोड का नेक्स्ट फील्ड नल है हम यहां पे भी स्टॉप कर सकते हैं और बता सकते हैं कि
कि हमारे जो लिंक लिस्ट है उसमें लूप नहीं है। तो लूप की टर्मिनेटिंग कंडीशन क्या है कि अगर क्यू नल हो जाए तो भी जो है हमारा लूप नहीं है, और लास्ट नोड पे हम पहुंच जाए इसका मतलब क्या है कि क्यू के नेक्स्ट फील्ड में नल है तो भी हमारा ये डिक्लेयर होगा कि इसमें लूप नहीं है। ठीक है, तो कितने लोगों को लगता है कि वो लिख लेंगे इस प्रोसेस को? हाउ मेनी ऑफ यू थिंक दैट कि यू कैन राइट दिस? ट्वेंटी पीपल, 21, ठीक है, गुड नंबर ऑफ द पीपल। अच्छा चलिए ठीक है, इसको हम लिखते हैं या ये मान लेते हैं कि हमने ये लिखा है, जरा चेक कीजिए चेक कीजिए कि ये सही है कि नहीं। हमने P को स्टार्ट किया फर्स्ट नोड पे, Q को स्टार्ट किया फर्स्ट नोड पे, ठीक है, और जब तक जब P नल ना हो जाए या P का लिंक नल हो जाए, एक ही चीज मान सकते हो आप। इसमें इसमें इन्होंने एक्चुअली हमने वहां पे P को स्लो माना था और Q को फास्ट माना था, यहाँ पे इन्होंने Q को स्लो मान लिया और P को फास्ट मान लिया, इसीलिए ऐसा लिखा है कंडीशन कि P नल हो जाए या P का लिंक नल हो जाए, मतलब कि P का नेक्स्ट नल हो जाए। इसका मतलब क्या है कि हम लास्ट नोड पे पहुंच जाएं या लास्ट नोड को क्रॉस कर जाएं, दोनों को इसमें अपने प्रोसेस को स्टॉप कर देना है। ठीक है, अच्छा इसके बाद अगर P इज इक्वल टू Q हमें मिल जाता है तो हम ट्रू रिटर्न कर देंगे, एल्स फॉल्स रिटर्न करेंगे। इस एल्गोरिथम में एक गलती है, बताइए कि क्या है वो। आप इस एल्गोरिथम को देखिए और इसमें बताइए कि इसमें एक एरर है, वो क्या है, व्हाट दैट एरर इज। सर, P के नेक्स्ट का नेक्स्ट भी नल वाला कंडीशन चेक नहीं होगा इसमें? नेक्स्ट के नेक्स्ट नल का नहीं चेक करना है, नेक्स्ट का नेक्स्ट नल होगा तो वो ऑटोमेटिकली दूसरे स्टेप में वो नल ही हो जाना है। एक बार और अगर आप व्हाइल लूप, हाँ जी प्लीज बताएं सर, इसमें व्हाइल लूप से अगर लूप होगा तो बाहर नहीं निकल पाएंगे ना व्हाइल लूप से? ये जो कंडीशन है, यस, ये जो P इक्वल्स टू Q है वो लूप के अंदर आएगा, और ये जो एल्स वाली कंडीशन है ये एल्स नहीं होगा। ठीक है, ये एल्स वाली कंडीशन एल्स नहीं होगी, तो ये गलती है यहाँ पे। पहली बात तो ये इफ वाला जो कंडीशन है वो लूप के अंदर होगा, कि अगर P और Q कोइंसाइड कर जाते हैं तो इसका मतलब है कि हमें पता चल गया कि लूप है, लूप के अंदर ही हमें पता चल जाएगा कि लूप है। लूप मतलब कि मतलब ये जो व्हाइल लूप हमारा है, इस व्हाइल के अंदर ही हमें पता चल जाएगा कि लूप है। ठीक है, जब हम लूप के बाहर आएंगे तो या तो हमने ये ऑलरेडी रिटर्न कर दिया होगा कि हमारा लूप है, वो इस रिटर्न स्टेटमेंट से हो जाएगा P अगर Q को इक्वल हो जाए। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि P नल हो जाए या P का लिंक नल हो जाए या P का नेक्स्ट नल हो जाए, तब हम इस लूप से बाहर आए। तो ये जो व्हाइल लूप है, इसके बाहर जैसे आप आएंगे, अगर आप बाहर आए हैं तो निश्चित रूप से लूप नहीं है हमारे लिंक लिस्ट में, तो यहाँ पे आप रिटर्न फॉल्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो एल्स लगाने की जरूरत नहीं है। आई होप आप इस बात को समझ पाए। पहली बात तो रिटर्न ट्रू जो है स्टेटमेंट वो लूप के अंदर है, व्हाइल लूप के अंदर है, और वो तब है जबकि P इज इक्वल टू Q हो जाए। ठीक है, अगर P इक्वल टू Q होगा तभी होगा। तो ये जो इफ P इज इक्वल टू Q है ये लूप के अंदर है, व्हाइल लूप के अंदर है, और लूप के बाहर क्या होगा, सिंपल एक रिटर्न फॉल्स होगा। अगर आप लूप से बाहर आना पड़ा आपको तो निश्चित रूप से लूप नहीं। आपने ये जरूर देखा होगा कि P की वैल्यू नल हो गई है या P के नेक्स्ट की वैल्यू नल हो गई है, तभी आप इस लूप से बाहर आए। ओके, सो दिस इज हाउ डू वी फाइंड आउट द लूप इन द लिंक्ड लिस्ट। अच्छा अब आप मुझे बताइए कि आपको लेंथ ऑफ लूप फाइंड करना है, कैसे फाइंड करेंगे? अब मैं आपसे लॉजिक पूछ रहा हूं, मुझे बताइएगा। इसमें इस लिंक्ड लिस्ट में लूप है, हमने मान लिया कि इसमें लूप है, अब मुझे लेंथ ऑफ लूप फाइंड करना है। लेंथ ऑफ लूप का क्या मतलब हुआ कि भाई 4 से स्टार्ट हुआ एक लूप, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7 एंड देन 6 से 4, सॉरी 7 से 4। ठीक है, तो लूप हमारा कौन सा है, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7 एंड देन 7 से 4। तो इसकी लेंथ कितनी हुई, 1 2 3 4 लेंथ हो गई। तो इस लूप की हमें लेंथ फाइंड करनी है, कैसे फाइंड करें, कोई आइडिया मुझे बताइए। ये चेक कर लेंगे P इक्वल टू Q दो बार जब आएगा उसके बीच का डिस्टेंस। P इक्वल टू Q दो बार आएगा तो नहीं सर, दूसरी सर पहली बार आएगा वहां से स्टार्ट करेंगे काउंट करना, जैसे दूसरी बार स्ट्राइक हो जाएगा वो लेंथ। ठीक है चलिए, आप आपके आपके अलावा कोई एक लॉजिक मुझे बताइए इसके बारे में।
सर लूप की इंडेक्स देख लेंगे कि कहाँ पे, और अगर काउंट कर ले कितने नोड्स हैं तो. यस बिल्कुल सही बात है, तो काउंट करना पड़ेगा हमें नोड्स. तो अच्छा चलिए इसी इस वाले क्वेश्चन में सबसे पहले लूप फाइंड करते हैं. तो पी हमारा यहाँ से स्टार्ट हुआ और क्यू यहाँ से आगे चले. पी एक स्टेप और क्यू दो स्टेप, पी एक स्टेप क्यू दो स्टेप, पी एक स्टेप क्यू दो स्टेप. ठीक है, पी एक स्टेप और क्यू दो स्टेप, सेवन से फोर और फोर से फाइव. कौन साइड कर गए कि नहीं, कौन साइड कर गए प्लीज लेट मी नो, कौन साइड किए कि नहीं. यस सर. तो कौन साइड कर गए. अब हम हमें ये तो पता चल गया कि लूप है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखिए कि पी और क्यू कहाँ है, इस लूप के कहीं बीच में है. तो हम एक काम करते हैं, जहां पे भी हमें ये पता चला कि लूप हो गया तो अब उस प्रोसेस से निकलते हैं और क्यू को मूव कराते हैं काउंटर के साथ में, या पी को मूव कराते हैं काउंटर के साथ में. चलिए ठीक है, हमने एक काउंटर ले लिया, उसको जीरो से इनिशियलाइज कर लिया. अब हमने क्या किया कि पी को आगे बढ़ाया, फाइव से सिक्स किया, काउंटर को अपडेट किया वन, पी को अगेन अपडेट किया सिक्स से सेवन और काउंटर को अपडेट किया टू, फिर पी को आगे बढ़ाया सेवन से फोर पे लेके आए और काउंटर को अपडेट कर दिया थ्री, फिर पी को आगे बढ़ाया और काउंटर को अपडेट कर दिया फोर. अगेन पी और क्यू कॉन्साइड कर गए. जैसे पी और क्यू कॉन्साइड कर गए तो ये जो फोर है दिस इज द काउंटिंग ऑफ द लूप और काउंट ऑफ नोड्स इन द लूप. ओके तो एक वन गो में हम क्या कर रहे हैं कि लूप फाइंड कर रहे हैं कि है कि नहीं है. तो लूप कब फाइंड करेंगे या लूप हम कब डिक्लेयर करेंगे कि है, जबकि पी और क्यू कॉन्साइड कर जाएंगे. उसके बाद हमें क्या करना है कि पी को मूव कराना है और तब तक मूव कराना है जब तक कि हम अगेन क्यू पे ना आ जाएं या पी और क्यू दोनों इक्वल ना हो जाएं. और साथ ही साथ हम क्या कर रहे हैं, काउंटर को लेकर और उसको अपडेट कर रहे हैं. तो जैसे ही हमारा जो काउंटर है सॉरी हमारा जो पी है वो क्यू के इक्वल हो जाएगा, हम अपने प्रोसेस को स्टॉप कर देंगे और काउंटर की जो भी वैल्यू होगी दैट विल बी दी वैल्यू ऑफ और लेंथ ऑफ द लूप. होप यू अंडरस्टूड दिस. प्लीज लेट मी नो और यू कैन रेज योर हैंड कि अगर आपको समझ में आ गया हो लेंथ ऑफ लूप. इन फर्स्ट को वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ नोड्स, सॉरी फर्स्ट को हमें ये करना है कि लूप फाइंड करना है कि है कि नहीं है. तो लूप जब भी हम फाइंड कर लेंगे पी और क्यू सेम लोकेशन पे होंगे. फिर इसके बाद हमें क्या करना है कि अगेन ट्रेवर्स करके जहां पे भी पी क्यू वहां से आगे ट्रेवर्स करना है, किसी एक पॉइंटर को मूव करा दीजिए और मूव कराने के साथ साथ काउंटर को ले लीजिए और काउंटर को जीरो से इनिशियलाइज करके अपडेट करते रहिए. तब तक अपडेट कीजिए जब तक कि पी और क्यू अगेन कोइंसाइड न कर जाए. जैसे कोइंसाइड करेंगे दैट विल बी द काउंट ऑफ द नंबर ऑफ नोड हमें मिल जाएगा, या काउंट ऑफ द लूप मिल जाएगा, या लेंथ ऑफ द लूप मिल जाएगा. ओके शैल आई मूव अहेड स्टूडेंट्स. थर्ड क्वेश्चन ये है कि मुझे स्टार्टिंग पॉइंट फाइंड करना है लूप में. स्टार्टिंग पॉइंट का क्या मतलब है, जैसे कि ऊपर वाला जो है इसमें फोर इज द स्टार्टिंग पॉइंट. ओके स्टार्टिंग पॉइंट इज फोर, मुझे फाइंड करना है कि इसका एड्रेस क्या है, लूप यहां कहां से स्टार्ट हो रहा है. सिमिलरली नीचे वाला जो है उसमें सिक्स वाला जो है दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट. तो हमें फाइंड करना है कि एड्रेस क्या है इसका. कोई आइडिया कैसे होगा ये सर? पहले हम नॉर्मली लूप चलाएंगे, जैसे हम डिटेक्ट करते थे कि साइकिल कैसे है, वो वाली लूप चला के उसके बाद जो स्लो पॉइंटर है उसको हम दोबारा से स्टार्ट पोजीशन पे ले जाएंगे एंड उसके बाद फिर दोबारा से वो वाली लूप चला देंगे, मतलब स्टार्ट पॉइंटर पे ले जाके जब तक फिर से पी और क्यू इक्वल नहीं हो जाते तब तक हम करते रहेंगे. तो जहाँ पे वो कोइंसाइड करेंगे वहां लूप की स्टार्टिंग होगी. ठीक है, बिल्कुल सही बताया आपने. और भी कोई मुझे बताना चाहेगा, हो सकता है कि आपके ना समझ में आया हो तो कोई और बता. ऐसे सकते हैं कि जो लूप की अगर एक बार हमने लेंथ निकाल ली तो हम स्टार्टिंग से एक पॉइंटर लेकर उतना ही ट्रैवर्स करें तो जो अगली नोड आएगी वो मतलब जहाँ पे एंड होएगा वो लूप की स्टार्टिंग होगी. अच्छा चलिए ठीक है, हम एक काम करते हैं, मूव करते हैं पी और क्यू. पी को हमने टू पे ले आए, क्यू को हम वन से थ्री लाए, फिर पी को थ्री और क्यू को थ्री से फाइव.
पी को 4, क्यू को 5 से 7, ओके, फिर पी को 4 से 5 और क्यू जो है 7 से 4, देन 4 से 5, कोइंसाइड कर गए दोनों, ठीक है, तो कोइंसाइड कर गए तो पी और क्यू कहां पे हैं, प्लीज लेट मी नो, जब कोइंसाइड किए तो पी और क्यू किस नोड पे हैं, फिफ्थ नंबर नोड पे, प्लीज टेल मी, पी और क्यू कोइंसाइड जब किए हैं तो ये फिफ्थ नंबर नोड पे है ना। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट ये है कि हमें फाइंड करना है स्टार्टिंग, तो क्या करें, आरुषि आपने कुछ बताया था अभी, सर जो स्लो पॉइंटर था उसको दोबारा से स्टार्ट पे ले जाएंगे, ठीक है स्टार्ट पे ले गए, पी को हम फिर से ले आए फर्स्ट पे, देन क्या करें सर, अब जब तक P और Q फिर से इक्वल नहीं होते उन्हें वैसे ही दोबारा इंक्रीमेंट करते रहेंगे, ठीक है, चलिए ठीक है, P को हम 1 से 2 पे ले आए और Q को 5 से 6 लाए, फिर P को 2 से 3 लाए एंड देन Q को 6 से 7, देन P को 4 से 3 से 4 एंड देन Q को 7 से 4, दोनों कोइंसाइड कर गए और जहां पे भी कोइंसाइड किए हैं ये 4 ही स्टार्टिंग पॉइंट है हमारे लिंक लिस्ट का या स्टार्टिंग पॉइंट है लूप का। Let's take it with one more example, जो नीचे वाला है, इसमें हमें फाइंड करना है कि लूप है कि नहीं, कैसे फाइंड करेंगे कि लूप है कि नहीं, यहां से P और यहीं से Q, P एक स्टेप और Q दो स्टेप, P एक स्टेप Q दो स्टेप, फिर P एक स्टेप Q दो स्टेप, P एक स्टेप Q दो स्टेप, P एक स्टेप Q दो स्टेप, 7 से 8 और 8 से 6, ठीक है, फिर P एक स्टेप Q दो स्टेप, फिर P एक स्टेप और Q दो स्टेप, 8 से 6 एंड देन 6 से 7, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हमें लूप मिल गया, दोनों कोइंसाइड कर गए, अब कोइंसाइड करने के बाद हमें क्या करना है, लूप ये फाइंड करना है कि कहां से स्टार्ट हो रहा है, तो पहले मैं ये सारे लिंक्स हटा दूं, केवल P Q को रखूं जहां पे लास्ट इनका मैच हुआ है। सी आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप सभी लोग ये कॉन्सेप्ट अगर समझ रहे हैं तो आप इसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे, अभी मैं काफी स्लो प्रोग्रेस देखा हूं इस वीक में, तो प्लीज इसको जो है आप लोग आगे करते रहिए लगातार। अब हम क्या करते हैं, रीस्टार्ट करते हैं इस प्रोसेस को, रीस्टार्ट का मतलब क्या है कि हम पी को यहाँ की जगह रीस्टार्ट करते हैं फर्स्ट नोड पे, एक एक स्टेप मूव कराते हैं, पी 1 से 2, क्यू 7 से 8, P 2 से 3, Q 8 से 6, P 3 से 4, Q 6 से 7, P 4 से 5, Q 7 से 8, P 5 से 6 और Q 8 से 6, दोनों कोइंसाइड कर गए, तो 6 इज द स्टार्टिंग पॉइंट, ओके 6 इज द स्टार्टिंग पॉइंट इन द लिंक्ड लिस्ट, होप यू अंडरस्टूड दिस। इसका मतलब क्या है कि हमें एक बार लूप फाइंड करने के बाद जो स्लो वाला पॉइंटर उसको दोबारा से रीस्टार्ट करना है बिगिनिंग ऑफ द लिंक लिस्ट पे, फिर उसका दोनों को एक एक स्टेप मूव कराएंगे और एक एक स्टेप मूव कराने के बाद जहां पे भी अगेन वो कोइंसाइड करेंगे वही हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा।